नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा फिलहाल ना करें सचिन पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई। सोमवार को फिर से होगी सुनवाई। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थितियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे ले। सैनिकों ने T-90 टैंक के साथ किया अभ्यास। रक्षा मंत्री ने चलाई मशीन गन। विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। यूपी पुलिस ने कहा फेक नहीं था एनकाउंटर। 20 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। भारत और चीन के तनावपूर्ण स्थितियों के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ CTS प्रमुख विपिन रावत और आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थितियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार सुबह लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब रक्षा मंत्री के लेह दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह पहुंचकर जवानों से मुलाकात की और भारतीय सेना ने उनके सामने शौर्य के वो प्रदर्शन किए जो चीन पाकिस्तान के होश उड़ाने में काफी है। राजनाथ ने टैंकों की शक्ति देखी, बंदूकों की ताकत परखी, कमांडोज की पैराग्लाइडिंग की रफ्तार देखी और फिर सैनिकों के साथ कोई यादगार तस्वीरों में कैद किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मशीन गन भी चलाई। बता दें, रक्षा मंत्री 2 दिन के LOC और LAC के दौरे पर है, जहां वो पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करेंगे। इसी जगह पर चीन और भारत की सेनाओं के बीच अधिक तनातनी है। रक्षा मंत्री उत्तरी कमांड और लेह कोर कमांड से हालात का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ही जम्मू कश्मीर भी पहुंचेंगे और LOC पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह श्रीनगर में पाकिस्तान सीमा पर फॉरवर्ड इलाकों का दौरा भी करेंगे। कानपुर एनकाउंटर के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से जहां यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो वहीं यूपी पुलिस ने अपना जवाबनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि ये एनकाउंटर फेक नहीं था। ये पूरी रिपोर्ट देखें। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये मुठभेड़ फेंक नहीं थी। पुलिस ने दुबे समेत उसके गुर्गों को मार गिराए जाने को लेकर कोर्ट में शुक्रवार को विस्तृत जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए यूपी पुलिस ने कहा कि एनकाउंटर सही थे, उन्हें फेंक नहीं कहा जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था। गांव में देर रात तक चले एनकाउंटर में विकास दुबे और उसके कई साथी फरार हो गए थे। इसके बाद UPSTF ने 8 दिनों के भीतर 5 एनकाउंटर करते हुए कई आरोपियों को विकास दुबे समेत ढेर कर दिया था। वहीं बाढ़ का असर सबसे ज्यादा बिहार और आसाम में देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों की जिंदगियां जलमग्न होती जा रही हैं। नदियां धीरे धीरे उफान पर आ रही हैं, तो वहीं NDRF की टीम लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। ये रिपोर्ट देखें। बिहार से लेकर असम तक भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर है और सैकड़ों गाँव व शहर जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए NDRF की टीम तैनात की गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। लाखों लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा है। बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और नेपाल से आ रही नदियों में उफान की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। मधेपुरा में कोसी नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है। ग्रामीण बाढ़ के बीच से किसी तरह खुद को बचाने में लगे हुए हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे बसे 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों घर जलमग्न हैं। आने जाने के लिए अब नाव का ही सहारा बचा है। उधर असम में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ के पानी में डूबकर कई लोगों की मौत हो गई है। राज्य के कई जिले पानी में डूबे हुए हैं और करीब 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों के घरों में पानी का सैलाब आया हुआ है। पानी इतना है कि सड़कें तो मानो गायब ही हो चुकी हैं। गाड़ियां पानी के ऊपर चल रही हैं और यहां तक कि जंगलों से जानवर निकलकर गांवों में आ रहे हैं।
तो वहीं कच्चे तेल की कीमतों में जहां बढ़ोतरी लगातार जारी थी, लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह कुछ नरमी देखने को मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ खास इजाफा नहीं देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के बाजारों में पिछले सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इस सप्ताह इसमें नरमी का ही रुख है। बृहस्पतिवार को भी इसमें मामूली नरमी ही देखी है, लेकिन शुक्रवार को घरेलू बाजार में डीजल की कीमतों में फिर उबाल आ गया। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को जहां पेट्रोल की कीमतों को जस का तस छोड़ दिया, वहीं डीजल की कीमतों में 17 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। इससे पहले परसों भी सिर्फ डीजल की कीमत में ही 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए 35 पैसे के ऐतिहासिक स्तर पर चला गया है। पेट्रोल की बात करें तो इसमें बीते 18 दिनों से बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके दाम में अंतिम बार बीते 29 जून को बढ़ोतरी हुई थी, वह भी महज 5 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे पर टिकी हुई है। बता दें कि दिल्ली देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। ब्रिटिश मैजिशियन डायनामो ने अपने नए शो बियॉन्ड बिलीफ के बारे में INS के साथ खास बातचीत की। I just want you to come back to India and explore this country, this beautiful country, and learn a little more, you know, experience a little more of our side of it. It's such a beautiful country and there's so much of it left to explore. I definitely can't wait to come back. I mean, the last time I was there, I was only there for 48 hours. I came and performed at a private event and it was crazy because I didn't know who else was going to be at this event, but I ended up spending most of the evening with SRK. Which was insane. We all love Shahrukh. I was a little bit starstruck. I'm not gonna lie. He's such a huge figure. That was really cool. So who knows what will happen next time I come? Every time I come to India, something incredible happens. I definitely want to get back out there soon. But I'm also, I'm kind of working on lots of magic. But with the new way of the world, I'm working on magic that can kind of work, in this type of format. So hopefully maybe we could, even if I can't get to India soon, maybe we could do like a virtual tour. Yes. People could tune in on their phones and online and get to experience the magic. But yeah, I'm super excited about the new series, Dynamo Beyond Belief, this Saturday, 18th of July, 9 p.m. I'm going to be on my social media whilst everyone's watching it, commenting along. And yeah, I'm just super excited for people to see it because it's been a few years. और इसी के साथ INS News Plus की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।